देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज राजधानी रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में पदयात्रा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली में भाजपा भगाओ महंगाई घटाओ के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज राजधानी रायपुर में पदयात्रा निकाली गई। इस रैली के माध्यम से भाजपा के मोदी सरकार को जगाने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में इजाफा होने से चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है। घी, सरसों तेल, दाल व चाय आदि खाद्य पदार्थ के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। इस पर मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश में जन जागरण अभियान, पदयात्रा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को जगाने का काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जयपुर में सब पूरी जनता के लिए आह्वान किया। अब आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अमेठी में पदयात्रा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित मुख्यमंत्री, प्रदेश के भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और गिरीश दुबे जी के नेतृत्व में उसी तर्ज पर आज रायपुर राजधानी के अलग अलग विधानसभा में हम सब कांग्रेस के साथियों ने पदयात्रा निकाली है। महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल, खाने का तेल, आलू प्याज, हर चीज महंगी हो गई। आदमी परेशान है। जनता की इस आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस का एक एक साथी इस पदयात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद कर रहा है, जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे देश के अंदर आज इस जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से जनता के साथ उनकी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज देश की बढ़ती महंगाई को लेकर पश्चिम विधानसभा में आदरणीय विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पदयात्रा निकाली थी और तेल, डीजल, पेट्रोल सबकी बढ़ती महंगाई देश के चरम पर है, इसका विरोध करते हुए आदरणीय सोनिया, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी आज अमेठी में पदयात्रा कर रहे हैं। उसी तरतम में आज हम लोग भी रायपुर शहर में पदयात्रा कर रहे हैं।